जय हिंद साथियों। दोस्तों ये आपका अपना छपरा फिजिकल अकेडमी साथियों। दोस्तों अभी वर्कआउट तुरंत क्लोज हुआ है, तो एसएससी जेडी के लिए कमेंट्स आ रहे थे कि सर 25 दिन तो हो पाएगा कि नहीं, हमारा टाइमिंग 30 मिनट लग रहा है, 28 मिनट लग रहा है, 27 मिनट लग रहा है। तो दोस्त इसी बात करेंगे और एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। इस वर्कआउट को फॉलो करेंगे बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो गर्ल्स 1600 मीटर में उनका भी सबका क्वालिफाई हो गया, जो नेल्ड का ज्वाइन किया उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस आ गया है, करीब 25 मिनट 26 सेकंड मिनट आ गया। कहाँ 35 मिनट 10 राउंड जाते थे, रुक जाते थे, ठीक है। बीच बीच में मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रुक जाते थे, तभी उनका अभी क्लोज हो गया 25 मिनट 26 मिनट में, ठीक है। बिल्कुल अच्छा टाइमिंग जा रहा है। कुछ लड़कों का आ गया है 20 मिनट, कुछ लड़कों का 22 मिनट आ गया, ठीक है। तो आपको किस प्रकार किस तैयारी करना है, जो लड़के हमारे पास 30 दिन प्रॉपर दिए हैं 25 दिन में भी उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, 22 मिनट घुस चुके हैं, ठीक है। जिनका टाइम 28 मिनट आता था, ठीक है। तो किस टाइप का वर्कआउट करना है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, ठीक है। जो भाई एसएससी जेडी में है, जो सपना रखते हैं इस बार वर्दी का, तो दोस्तों इसी बारे में जो अगर हेल्दी भी है ना, मोटे भी है ना, उनका भी टाइमिंग डाउन जाएगा। 24 मिनट पे क्वालिफाई करना होता है आपको, 16 से करना पड़ता था, बट इसमें आपको सिर्फ 5 किलोमीटर में किलोमीटर 24 मिनट में क्वालिफाई करना है। गर्ल्स को 16 मीटर 8.5 मिनट में क्वालिफाई करना, बहुत आसान तरीका है, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, ठीक है। अभी देखिए अगर आपकी टाइमिंग में थक जाते, इसमें सबसे बड़ा स्टेमिना करो, हेवी वर्कआउट नहीं कर, तो जिसका टाइमिंग नहीं डाउन हो रहा उसके लिए दो एक्सरसाइज बताओ, तो बिल्कुल ये 7 दिन करेंगे आपको फर्क दिख जाएगा, ठीक है। 26 वाला बंदा 22 में मारेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ग्राउंड आए तो आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है, वार्म अप करना है, तभी आपका वर्कआउट स्टार्ट करें। इससे क्या आपका बॉडी पूरा तैयार हो जाएगा। आप बॉडी तैयार नहीं करोगे और आओगे रनिंग खींचना स्टार्ट कर दोगे तो बॉडी कहीं ना कहीं इंजरी बिल्कुल आना ही है। तो हर वर्कआउट का, हर बॉडी के हिसाब से बॉडी डिजाइन वर्कआउट डिजाइन होता है। आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आपका टाइमिंग नहीं डाउन जाए, तो उसी लड़के के साथ तैयारी करोगे। ये नहीं कि आप 20 मिनट वाले के साथ लग गए तो भाई वो तो टनवा देगा आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये करना है, दो वर्कआउट जो मैं रखता हूँ, अपना बात बकवास नहीं करेंगे, जो मैं दो वर्कआउट रखता हूँ। आपको अगर टाइमिंग 28 मिनट है, वो बंदा 22 मारेगा मात्र 15 दिन में। कैसे मारेगा, तो आपको सुबह आपका जो वर्कआउट ले लीजिए, सुबह हर दिन का बता रहा हूँ, आपका अगर स्टेमिना कमज़ोर है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपका बिल्कुल दिक्कत आएगी आपकी बॉडी के अंदर। आप 5 किलोमीटर भाग नहीं सकते, आप 2 से 2.5 से 3 किलोमीटर जाने के बाद आपको बॉडी मन करेगा रुकने के लिए, ये हकीकत बात है, ठीक है। आप देखते हैं 1600 मीटर धाव के वो भागते रहता है लोग, क्यों, उसको 5 किलोमीटर लगाओ तो क्या, उसका स्टेमिना इंडोरेंस स्ट्रेंथ सब बना पड़ा है, स्पीड बना पड़ा है। आप लोगों ने पढ़ाई करी है, आप पढ़ाई करने के दौरान आपने फिजिकल थोड़ा सा भी नहीं किया तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं वर्कआउट बता रहा हूँ, फाट लेग कहते हैं स्लो फास्ट, 100 मीटर स्लो 100 मीटर फास्ट, 200 मीटर स्लो 200 मीटर फास्ट, ये करेंगे आप 15 दिन फाट करके आपका बिल्कुल आपका टाइमिंग डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक वर्कआउट बताता हूँ इंटरवल, इसको कैसे करना पड़ता है। 400 मीटर का लैप ले लीजिए, 400 मीटर का लैप लगाएं, जितना टाइमिंग है रुके, मुश्किल से फिर 1 से 2 मिनट रिलैक्सेशन लिए, फिर 400 मीटर लगाएं। इसको कम से कम 6 से 7 लगाएंगे कंटिन्यूटी, एक दिन फाट लेके एक दिन स्लो फास्ट कीजिए, ठीक है। और इसको 8 दिन करिए तो आपका मतलब दोनों टाइम मतलब 4-4 टाइम हो जाए, उसके बाद वर्कआउट चेंज करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करेंगे वो भी वर्कआउट डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अभी कोई वैसा वर्कआउट नहीं करना जिसपे पैर पकड़े, कोर वाला कर रहे कोर करे पकड़े, अगर ये पकड़ लिया 7 दिन आपका ख़राब चला जाएगा, ठीक है। तो अब वो ABC ड्रिल वाला ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है, कि हाइनी मारे धर धर धर, वो सब बिल्कुल पैर पकड़ने वाला एक्सरसाइज, वो ऑफ सीजन में होता है ABC ड्रिल वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या, अभी आपको ऑन सीजन है, लाइक अभी 30 दिन बचा है, तो सुबह आपको मात्र स्टेमिना पे काम करना है, इंडोरेंस पे काम करना है, ठीक है, स्ट्रेंथ पे काम करना, बॉडी के अंदर थोड़ा सा ताकत है, डाइट पे फॉलो विशेष करना है, रनिंग किट पे फोकस करना है, वाटर बॉटल के साथ आपको एनर्जी ड्रिंक लेके आना है ग्राउंड में। ये सब फॉलो करेंगे बिल्कुल आपका टाइमिंग डाउन जाएगा। जब भी आए कूल डाउन एक्सरसाइज करें, रनिंग के बाद बिल्कुल आप कूल डाउन करके जाएं कि नेक्स्ट दिन आपका बॉडी तैयार हो वर्कआउट के लिए। आप जो स्लो फास्ट है, अगर कोच साहब के साथ है तो थोड़ा कोच साहब से बोलिए ये करवा दीजिए मेरा, ठीक है, वो करवा देगा बंदा, ठीक है। अगर खुद कर रहे हैं तो आप किसी लड़के को पकड़िए अच्छे जो आपको करवा सके, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो छपरा फिजिकल एकेडमी दोस्त मोस्ट वेलकम है, आप आइए, मोस्ट वेलकम है आपका बिल्कुल। 21 से 22 दिन में आपको फर्क जो दिखेगा आपको बिल्कुल, जो हमारे पास आए थे लड़की आए थे लड़के आए थे सबका क्लोज हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। बस कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, रेगुलर रखना पड़ेगा, आपके अंदर जुनून रखना पड़ेगा, ठान के रखना पड़ेगा कि इस बार मेरे को लेना है वर्दी। अब वर्दी आपका रखा गया है, बस आपको वर्दी जाके लेना है दोस्त। इतना सीट बढ़ा हुआ, अगर इसमें नहीं हुआ तो सोच लीजिए आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्त कुछ भी दिक्कत है डाउट से आप कमेंट करें, छपरा फिजिकल अकेडमी बिल्कुल आपके साथ है। रनिंग का जूता जो है बिल्कुल शूज बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आप दौड़ेंगे सीन पेन कबड़ जाएगा, पैर में इंजरी कबड़ जाएगा, ठीक है।
पैर जूता अच्छा होगा तो जूता ही आपको रनिंग पास कराइए, भी आप रिक पा लीजिए, ठीक है। जूता अच्छा होगा तो आपका रनिंग भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड है दोस्त, अभी तुरंत वर्कआउट क्लोज हुआ है और ये फाटलिक इंटरवल बता रहा हूँ सबसे ज़बरदस्त वर्कआउट है अभी। और एक बता दूंगा नेक्स्ट टाइम में, अगर आपका कमेंट अच्छा रहेगा तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जो दो एक्सरसाइज और बताऊंगा जो हफनी खत्म हो जाए आपका। 1600 मीटर ये 5 किलोमीटर दौड़ने हाफ जाते हैं, हफनी खत्म हो जाए। हफनी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आप दौड़ते हैं 3 किलोमीटर बाद आपका हफनी पड़ जाता है और हाफ जो सांस लेते हैं वो जल्दी चढ़ जाता है आपका, इसलिए ख़राब हो जाता है उसको। हम लोग लाइक आप बिहार से वीडियो देखते तो हफनी बोलता है, हाफते लड़के हैं तो हफनी अपनी बोलते हैं, ठीक है। सांस ऊपर नीचे चढ़ जाता है तो उसके लिए भी वर्कआउट डेडिकेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त कुछ भी डाउट्स है आप आ सकते हैं, अगर छपरा फिजिकल अकेडमी आना है तो मिलते हैं नेक्स्ट में सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम।